हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सब जानते ही होंगे कि दुनिया में टोटल 5 ओशंस पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन कहलाया जाता है। ये पैसिफिक ओशन टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये इतना बड़ा है कि अगर चिली से पैसिफिक ओशन के किनारे पर अगर अर्थ में आर पार होल किया जाए, तब भी ये होल अर्थ के दूसरे साइड पर पैसिफिक ओशन में ही निकलेगा। आपको ये जानकर ही हैरानी होगी कि हमारे अर्थ का लैंड एरिया ही टोटल 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसका मतलब कि अगर 5 में से 4 ओशंस को हटा दिया जाए और केवल पैसिफिक ओशन की बात की जाए, तो वो अकेला ही दुनिया के सभी पहाड़ों, रेगिस्तान, आइलैंड, फॉरेस्ट से भी काफी बड़ा है। इस पूरे ओशन में सिर्फ कुछ ही आइलैंड्स हैं और वो भी इतने छोटे हैं कि वो इस आलिशान समुंदर में एक डॉट के बराबर दिखाई देते हैं। और मजेदार बात ये है कि ये वो आइलैंड है जिनमें से ज्यादातर आइलैंड्स पर आज तक किसी भी इंसान ने पैर नहीं रखा है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान इस पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढने का चांस ना के बराबर होगा। लेकिन आज आप लोगों को इस वीडियो में एक इंसान की रियल स्टोरी के बारे में बताएंगे, जो अपनी छोटी सी बोट में इस पैसिफिक ओशन में गुम गया, और वो सिर्फ 10-15 दिन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे 438 दिनों के लिए। जी हाँ, इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था जिसको शायद ही कोई तोड़ना चाहेगा। ये शख्स कौन है और ये सब कब कैसे हुआ, ऐसे और भी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ प्रियंका सिंह, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान वाला। समुंदर में सबसे ज्यादा अकेले वक्त गुजारने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जॉर्ज सेल्वेडोर अल्वरिंगा ने बनाया था, जिसने समुंदर में पूरे 438 डेज गुजारे, वो भी अपनी एक छोटी सी 7 फीट की बोट पर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 14 महीने तक ऐसे खतरनाक समुंदर में जॉर्ज अकेला जिंदा कैसे रहा, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये समुंदर में क्यों गया। ये बात 2012 की है, जहां मेक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टल एजुल में 36 साल के जॉर्ज अल्वरिंगा रहते थे। जॉर्ज एक एक्सपर्ट मछुआरे भी हुआ करते थे। 17 नवंबर 2012 को जॉर्ज अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी बोट पर निकल गए। इनका प्लान था कि वो समुंदर में केवल 30 घंटे ही गुजारेंगे, इसी वजह से ये अपने साथ ज्यादा सामान लेकर नहीं गए। इनकी छोटी सी बोट पर सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था, जिसमें वो मछलियां स्टोर करते थे। वो मेक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समुद्र में बिछा दिया। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर जाने वाले जॉर्ज को ये कहां पता था कि अगले 438 दिन उसकी जिंदगी के सबसे बुरे दिन होने वाले हैं। उसी वक्त एक खतरनाक समुद्री तूफान आ पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए जॉस और उनका साथी मछली का जाल वहीं छोड़कर साहिल की तरफ उल्टे पांव भागे। पूरे 6 घंटे बोट को लगातार तेज भगाते हुए वो सुबह के 7 बजे अब साहिल से 20 किलोमीटर दूर थे और उन्हें अपना गांव नजर आने लगा था। लेकिन जॉस तूफान के साथ साथ अपनी किस्मत को भी पीछे छोड़ आए थे, क्योंकि साहिल से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर ही बोट का इंजन खराब हो गया था। अब उनके पास ना तो चप्पू था और ना ही डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और वो जवाब का वेट करने लगे। अब जो जॉर्ज के साथ हुआ वो हर मछुआरे का घिनौना ख्वाब होता है। अपने बॉस के जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी खत्म होने लगी थी, और अब इन दोनों का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट खत्म हो चुका था। जॉर्ज अल्वरिंगा और उनका साथी अभी इस शौक से बाहर निकले ही नहीं थे कि अचानक से वो हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था।
तेज हवाओं ने उन्हें समुद्र की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था और जो साहिल उन्हें नजर आ रहा था अब वो उनसे दूर होने लगा। उनके बॉस ने एक सर्च टीम बनाई और उन दोनों को पैसिफिक ओशन में ढूंढा, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहे थे जॉर्ज और उनके साथी का बचना मुश्किल समझा जा रहा था। इस हादसे को 5 दिन गुजर चुके थे और हवाओं ने जॉर्ज की बोट को साहिल से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो समुद्र के ऐसे हिस्से में आ गए थे जहाँ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। उनको पता था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसको दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता। सिग्नल देने के लिए ना ही उनके पास आग लगाने के लिए कुछ था और ना ही उनके पास फ्लेयर गन थी। यानी जॉर्ज और उनके साथी को अब फील होने लगा था कि उनके बचने का चांस 1% से भी कम है। जो खाना पीना वो साथ लाए थे वो पहले ही ख़त्म हो चुका था, इसलिए पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से ही उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे या फिर आसपास की मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। समुद्र के खारे पानी से इंसान की मौत हो सकती है, इसी वजह से उन्होंने बारिश के पानी को समुद्र में तैरती बॉटल्स में जमा करके पीना शुरू किया। लेकिन बारिश हमेशा ही थोड़ी ना पड़ती है, इसलिए जब बारिश नहीं होती थी तब ये दोनों अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल का खून पीते थे, लेकिन वो भी तब जब ये उन्हें पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन बीतते गए और फिर महीने। जिस मेंटल टॉर्चर से ये दोनों गुजर रहे थे वो इमेजिन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आखिरकार जॉर्ज एल्वरिंगा का साथी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और 4 महीनों के बाद समुद्र में कूद कर सुसाइड कर लिया। जॉर्ज बिल्कुल अकेले पड़ गए थे और इस बोट पर उनके साथ बात करने के लिए भी कोई नहीं था। अब वो चारों तरफ घिरे इस समुद्र में अकेले जिंदगी बिताने लगे। मैप के अकॉर्डिंग अगर अंदाजे से देखें तो जॉर्ज पैसिफिक ओशन के इस एरिया में मौजूद थे। ये हिस्सा पैसिफिक ओशन का सबसे खामोश हिस्सा माना जाता है, यहाँ तक कि यहाँ से कोई कार्गो शिप भी कभी कभी ही गुजरती है। सिको को छोड़े अब 6 महीने हो गए थे और इसी बीच जॉर्ज ने अपने साथी को भी खो दिया था, इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। एक दिन जॉर्ज को दूर समुंदर में एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीने में ये पहली शिप देख रहे थे, जैसे जॉर्ज की जिंदा रहने की उम्मीद जाग गई थी। जॉर्ज ने शिप की तरफ हर तरह से इशारा किया, लेकिन शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नजर नहीं आई और शिप आगे चली गई। देखते ही देखते उनके जिंदा रहने की उम्मीद पर फिर पानी फिर गया था। 11 महीनों के बाद जॉर्ज अपनी इस बोट पर अकेले 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके थे। उनके कपड़े भी फट चुके थे और उनके पास खुद को धूप से बचाने के लिए केवल एक अंडरवेस्ट ही बचा था। आखिर जॉर्ज की किस्मत जॉर्ज पर मेहरबान हो ही गई और वो घड़ी आ ही गई जब जॉर्ज में जीने की उम्मीद फिर जागी। 30 जनवरी 2014 को यानी पूरे 14 महीने के बाद जॉर्ज को आसपास पानी में नारियल तैरते दिखाई दिए। समझ गए थे कि कोई आइलैंड पास आ गया है जहाँ लगे नारियल पेड़ से टूटकर पानी में तैर रहे हैं। फिर जॉर्ज को वो आइलैंड नजर आने लगा। जॉर्ज को डर था कि कहीं ये आइलैंड भी उनसे मिस ना हो जाए, इसी वजह से वो पानी में कूद गए और तैरकर आइलैंड तक पहुंच गए। पिछले 14 महीने में जॉर्ज ने पहली बार किसी जमीन पर पैर रखा था और जब वहां पहुंचे तो वहां उन्हें एक बीच हाउस भी दिखाई दिया जिसमें वहां का लोकल मौजूद था। इन 438 डेज में जॉर्ज का पहली बार किसी दूसरे इंसान से कॉन्टेक्ट हुआ था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसको इबोन एटॉल कहा जाता है और ये आइलैंड जॉर्ज के स्टार्टिंग पॉइंट से 11000 किलोमीटर दूर है। ये भी जॉर्ज की किस्मत थी कि वो समुद्र में एक छोटे डॉट जितने आइलैंड तक पहुंच गए थे, वरना अगर ये आइलैंड मिस हो जाता
तो जॉस का अगला स्टॉप फिलीपींस में होता, जो कि इस आइलैंड से भी 5000 किलोमीटर दूर था। इस आइलैंड से जॉस को वापस उनके घर भेजा गया, जहां जॉस को एक और नई मुसीबत का सामना करना पड़ा। जी हाँ, वापस पहुंचने के बाद जॉस ने 438 डेज के नाम से एक बुक पब्लिश करी, लेकिन जॉस पर अपने साथी को मारने का इल्ज़ाम लगाकर केस कर दिया गया। ये वही साथी है जिसने जॉस के मुताबिक सुसाइड किया था। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।